हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, होप यू आर ऑल वेल। तो दोस्तों, आज मैं एक नाड़ू बनाकर दिखाऊंगी। इसको आनंद नाड़ू कहते हैं। तो इसलिए लेना है राइस फ्लावर। ये राइस फ्लावर से बनते हैं। तो मैं 2 बोल राइस फ्लावर लिया, उसको अच्छा से छान लियो। छानने का बाद उसमें मैं गुड़ मिलाऊंगी। तो देखिए, मैं थोड़ा सा पानी दिया कढ़ाई में, उसका बाद 1 बोल गुड़ को उसमें पिघलना है। गुड़ जब अच्छे से पिघल जाए तब मैं राइस फ्लावर में उसको डाल दूँगी। देखिए, गुड़ तैयार हो रहा है। अभी मैं उसको एक छन्नी में छानूंगी। छन्नी में छान कर दे रही हूँ क्योंकि गुड़ में कचरा रहते हैं, उसको उठाने के लिए मैं छन्नी में छान कर उसमें डाल रही हूँ राइस फ्लावर। उसका बाद 1 टेबल स्पून पॉपी सीड, 1 टेबल स्पून सौंफ और कोकोनट पेस्ट देंगे 1 बोल। पाउडर मिल्क देंगे 1 बोल और कलौंजी देंगे 1 टीस्पून। उसका बाद अच्छा से, जैसे रोटी बनाने का डो होता है उसी तरह बनाना है, अच्छा से गूंथना है। उसके बाद नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और 2 टेबल स्पून गाय का घी। इसको दे के अच्छा से इस डो को बनाएंगे। को अच्छा से स्मूथ बनाना है। उसके बाद थोड़ा सा घी देके उसको 5 मिनट्स के लिए रेस्ट करना है। उसके बाद फिर से उसको अच्छा से गूंथ कर छोटा छोटा बॉल बनाकर फ्राई करना है। स्मूथ हो गया। अभी इसको छोटा छोटा बॉल बनाकर फ्राई करूंगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही इजी रेसिपी, घर में जरूर ट्राई करना और बहुत ही आसान है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। तो देखिए, इस तरह बॉल बनाना है, उसका बाद ऑयल में फ्राई करना है। मैं व्हाइट ऑयल यूज़ किया, घी में भी फ्राई कर सकते हैं। देखिए, तेल गरम हो गया। उसके बाद मैं एक एक करके फ्राई करूँगी बॉल को। बस नाड़ू तैयार हो जाएगा। बट उसको ज़्यादा आंच में फ्राई नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा तेल गरम हो जाएगा उसका बाद आंच धीमी कर देना चाहिए। धीरे धीरे सिम आंच करके उसको पकाएंगे। बस कलर छोड़ रहा है, कलर कितना बढ़िया आ रहा है, ब्राउन हो जाएगा। तो देखिए, तैयार हो गया आनंद नाड़ू। देखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है, खाने
खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, ज़रूर घर में बनाना। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को मैनी मैनी थैंक्स। बस तैयार हो गया आनंद नाड़ू। ओके बाय बाय, सी यू अगेन।